में घुसकर वोट फोड़ने वाले लोगों की खिदमत में यह वाकया पेश करना चाहता हूँ। चाहे वो MIM वाले हो या SDPI वाले हो या कोई और पार्टी वाले हो, मैं साफ कहता हूँ, अब हल्का सा इशारा और माहौल पैदा हो रहा है कांग्रेस की तरफ। लेकिन ये भी कहूँगा, जहाँ कांग्रेस कैंडिडेट कमज़ोर और जनता दल कैंडिडेट मजबूत हो, वहाँ पर ये उसूल तोड़ो, जनता दल का साथ दो। जहाँ कांग्रेस कैंडिडेट मजबूत, जनता दल कमज़ोर है, वहाँ कांग्रेस का साथ दो। लेकिन आपस में मत लड़ो, खास तौर पर ये जुमला याद रखना, वो इलाके वाले बहुत मोहतात रहो जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, जहाँ हमारे बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, जहाँ हमारे ईदगाहें हैं, वहाँ के मुसलमान वोट फोड़ना नहीं। तुम एक वोट भी किसी गलत पार्टी को दोगे, मैं नाम लेना नहीं चाहता, तुम एक वोट भी किसी गलत पार्टी को दोगे और सही पार्टी हार जाए, गलत पार्टी आ जाए, वो आज के बाद आइंदा 4-5 साल तक जब जब भी जुल्म करेगी, उनके जुल्म में तुम्हारा हाथ होगा, ये पक्की बात है। वो मस्जिदों में हाथ लगाएगी, उनके हाथ में तुम्हारा हाथ होगा। वो मदरसों पे हाथ लगाएगी, उनके हाथ में तुम्हारा हाथ होगा। मैं कर्नाटक के सेकुलर भाइयों से और मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि हमारे इस मुल्क में कर्नाटक का इलेक्शन बहुत अहमियत का हामिल है। आने वाले 2024 के लिए दुश्मनों के जवाब का नाम है कर्नाटक का इलेक्शन।